जुहार साथियों, जय झारखंड, जय भारत, वंदे मातरम। आज मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे ज़िला का जो खूबसूरती है उसे दिखाया गया है। ये वादियाँ कितनी सुंदर है, हमारे एरिए में चारों तरफ पहाड़ है, एक तरफ गंगा नदी है, और इस सुंदर इधर भी जाएंगे आप टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, आपको आगे पता नहीं चलेगा कि सड़कें हैं, अब तो पहाड़ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी रास्ता है और पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया गया है। और उस रास्ते पर जब आप चलेंगे बहुत ही घना जंगल मिलेगा, अनेकों प्रकार के जीव मिलेंगे। आज उस रास्ते पर एक आदिवासी के द्वारा एक जीव को पकड़ा गया था और लेके जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी जीव पर, उस जीव का मैंने वीडियो आज पोस्ट किया और आप देख करके ये बताएंगे। इसकी आंखें देखिए कितनी खूबसूरत है, एकदम सीसीटीवी कैमरा की तरह इसकी आंखें हैं, उसके कारण है बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारा है। हाँ, इसलिए आप देखिए इसकी आंखें कैसे घूर रही है, इसे सीसीटीवी कैमरे की आंख घूरती है, ठीक उसी प्रकार से इस जीव का आंख घूर रहा है। और यह जीव मेरे हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और इसकी आगे की जानकारी जो है मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में यदि अच्छा लगे आपको, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए इसकी चाल, देखिए कितनी मस्त चाल है, और ये रंग बदलता रहता है। गिरगिट प्रजाति का यह जीव है, इसे लोग बहरूपिया कहते हैं, रायगढ़वा कहते हैं आदिवासी भाषा में। आगे देखिए अब क्या होता है, जीव मिला है, ये जीव है और ये छिपकली प्रजाति का जीव है, इसे हम लोग बहरूपिया भी बोलते हैं, रंग बदलने वाला जीव। लेकिन ये इससे बहुत डर रहे हैं, इनके विषय में इसको जानकारी नहीं है, और ये जहरीला भी नहीं होता है, काटता भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, कितना खूबसूरत है आप देखिए। लाइए इधर थोड़ा सा कैमरा के पास, दिख रहा है ना, देखिए कितना खूबसूरत जीव है। और ये जो है इसको संरक्षण की आवश्यकता है, और ये ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं जानते हैं, पकड़ लेते हैं तो कोई जहरीला जीव समझ के मार देते हैं, इसे नहीं मारना चाहिए। ये प्रकृति का जो है अनमोल धरोहर है, और प्रकृति ने हमें सब बहुत कुछ दिया है, लेकिन नासमझी के कारण जो है लोग बहुत चीज़ों को मार रहे हैं। और मैं भी कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इसे मारें नहीं, और जो भी जंगल में जीव है किसी भी जंगली जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब जंगली जीव खत्म हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे जो पीढ़ी हैं आगे वाला, वो बाघ तो भूल ही जाएंगे, शेर भी भूल जाएंगे, गिदड़ सियार की कैसा होता है वो नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनको भी दिखाना ज़रूरी है, इसलिए उनको बचाना आवश्यक है। आ जाओ, और अभी मैं देखिए इनको हाथ में लिया, छोड़ो अरे फूक फाक मत करो, फिर फूको मत, फूकता क्यों है, नहीं काटे, फूको मत। और देखिए ये फूक रहा है ना, आ जा, आजा, छोड़ो, पकड़ता है, बहुत मजबूत है, छोड़ो, पुच्छी से भी पकड़ा है, देखिए पुच्छी से भी पकड़ा है, छोड़ो, पुच्छी से भी पकड़, इसका 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 पकड़ देखिए, बहुत ही लाजवाब पकड़ है, और ये काफ़ी जो है देखिए गुस्साए हुए है अभी, और ये बहुत ही खूबसूरत जीव है, है ना, छिपकली प्रजाति का होता है ये, है ना,
आप लोग पकड़े। ये लोग गोह होता है ना बड़ा वाला, जिसे गोह नहीं होता है एक, वो गोह भी कई जो छोटा रहता है तो गोह बोलाता है कोई, उसको बिलगोई जो बोलता है आदिवासी लोग उसको मई करते हैं, बिलगोई है ना, बिलगोई जब बड़ा हो जाता है ना तो लिजार्ड हो जाता है, मैंने उससे बड़ा वाला हो जाता है। तो वह भी जो है तो जहरीला नहीं होता, एक बीस खोपड़ा होता है, बीस खोपड़ा भी जहरीला नहीं होता है ना, नहीं 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 वो भी जहरीला नहीं है। जब वो देखिए इसका जब बच्चा होता है ना तो छोटा में वो छिपकिल्ली की तरह एक छोटा छोटा पीला पीला टाइप का नज़र आएगा घर में, वही उसका बच्चा है। वो थोड़ा बड़ा होगा ना तो जो है कि ये हो जाएगा बीस खोपड़ा, और थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा ना तो वो बिलगोई हो जाता है, जिसे गोह कहते हैं हम लोग आदिवासी भाषा में। क्या बोलते हैं इसको बोलिए, बोलिए की रोड़ा इंगा ना, क्या नाम है, नाम इसका क्या है? अले दले मिताव को राय का कड़वा, राय के का राय का कड़वा, राय के कड़वा बता रहे हैं कि राय के कड़वा है। और खैर ठीक है जो भी है, लेकिन जानकारी के अभाव में जो है बहुत सारे जीवों को अभी यहाँ ऐसा हुआ कि वर्षा भी नहीं पड़ रहा है। और देखिए जंगल फॉरेस्ट विभाग का, मेरा फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ जंगल जो है कि जिला से लगाया गया है, लेकिन इधर भी वर्षा नहीं है, यहाँ तो बहुत जंगल है।